हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहनवाज़। वेलकम टू फ्लाइटे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक क्वाडकॉप्टर का फ्रेम। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे क्वाडकॉप्टर का फ्रेम अवेलेबल हैं, लेकिन ये फ्रेम कुछ ख़ास है, क्योंकि इस फ्रेम को हम फोल्ड कर सकते हैं और ये क्वाडकॉप्टर का फोल्डेबल फ्रेम है। दोस्तों, बहुत सारे लोग आप में से ही हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक ऐसा फ्रेम बनाइए जिसे हम फोल्ड कर सकें और उसे ईज़िली कैरी कर पाएँ, क्योंकि जो मार्केट में फ्रेम मिलता है वो थोड़ा बड़े साइज़ का होता है और उसे कैरी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह के फ्रेम को आप ईज़िली कैरी कर पाएंगे, कहीं भी ला सकेंगे और ले जा सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और देखते हैं इस फ्रेम को बनाने के लिए हमें क्या क्या पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये है 4 mm प्लास्टिक फाइबर शीट, हमें इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, और एक 1/2 inch हॉलो स्क्वायर एल्युमिनियम रॉड, कुछ बड़े साइज़ के ले लें। और इसके बाद इस तरह के कुछ स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में इसका नट और एक पेपर, साथ में स्केल एंड पेंसिल और पेन कुछ भी ले लें, थोड़ा ड्राइंग करना भी पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले हम इस एल्युमिनियम रॉड को लेंगे और इस एल्युमिनियम रॉड को हमें 18.5 सेंटीमीटर पे कट करना है। यहाँ पे हमें 18.5 सेंटीमीटर पे 4 पीस कट करना है, जो हमारे फ्रेम का आर्म होगा। तो मैंने इसे पहले से ही कट करके रखा है और इसमें मैंने ब्लैक कलर का टेप लगा दिया है। आप भी कोई भी कलर डाल सकते हैं। आप इसका साइज़ देख सकते हो, 18.5 सेंटीमीटर है ये। चारों आर्म इक्वल होने चाहिए। और इसके बाद हमें चाहिए एक और बड़े साइज़ का रॉड जो मिडिल में होगा। इसका साइज़ जो है यह है 32.5 सेंटीमीटर का, और ये हमें 2 पीस चाहिए। 2 पीस लगेंगे बीच में लगाने के लिए, जैसा कि आपने फ्रेम में देखा था। तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। और इस एक आर्म को लेंगे और अपने इस ब्रशलेस मोटर को लेंगे जिसमें बेस प्लेट लगा हो, जहाँ पे हम इस मोटर को टाइट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस स्क्रू को लेकर हमने इसमें डाल दिया है। तो इस बेस प्लेट के साइज से ही आप यहाँ पे होल कर लें चारों आर्म में सेम साइज़। मैंने पहले से ही होल करके रखा है इस मोटर को टाइट करने के लिए, कुछ इस तरह से इन दोनों जगह। आप देख सकते हो चारों आर्म में मैंने पहले से होल करके रखा है, आप भी इसी तरह से होल कर लें। अब इसके बाद हम इस पेपर को लेंगे और इसमें अपने स्केल से ड्राइंग करना है उस बेस प्लेट को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है आप देख सकते हो, हमने इस तरह से इसमें ड्राइंग किया है। और यहाँ पे आप साइज़ देख सकते हो, ये 12 सेंटीमीटर का है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, और नीचे में यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है। तो इस ड्राइंग को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसे कट करने के बाद मिडिल से फोल्ड कर लें इस तरह से।
और इसके बाद यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट देंगे यहाँ पे, और एक पॉइंट देकर छोटे सर्कल बना लेंगे, और फिर इस पॉइंट से लेकर कुछ इस तरह से हमें 2 सेंटीमीटर पे 2.5 सेंटीमीटर पे एक और पॉइंट लेना है और इसे भी सर्कल कर दें। फिर हमें इस साइड से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक पॉइंट लेना है और इसे भी सर्कल कर देना, क्योंकि ये तीनों पॉइंट को हम पहले अपने पेन से थोड़ा पेपर में होल कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इसके ऑपोजिट साइड भी हमें इक्वल पॉइंट मिल जाएंगे, हमें फिर से यहाँ पे मेज़र नहीं करना पड़ता। तो ये सारे पॉइंट में हमें पहले इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्राइंग कर लिया है। ये जो शीट है ये स्विच बोर्ड का शीट है, मैंने प्लास्टिक फाइबर यूज़ नहीं किया, और उसे कट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो जो पॉइंट था हमने सेम पॉइंट पे यहाँ पे चारों शीट में होल कर लिया है इस तरह से। उसके बाद एक प्लेट को हम नीचे रखेंगे और उसके ऊपर हमारा जो ये जो आर्म है मिडिल का, हमें बेस प्लेट में जो साइज़ का होल किया था सेम उसी साइज़ का हमें इस आर्म में करना है। इन दोनों जगह पे यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, तभी आपका सही से नट लगेगा। बोथ साइड यहाँ पे भी और उसके बाद हम अपने इन चार आर्म को लेंगे और इसे यहाँ पे रख देंगे। हमें ऑपोजिट साइड लेना है, जिस साइड हमने मोटर के लिए किया था उसका ऑपोजिट साइड को हम बेस प्लेट पे रखेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर से रखेंगे और यहाँ पे इसका एक पॉइंट ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे भी हमें होल करना पड़ेगा इस बेस प्लेट के साइज़ का। अब इसके बाद इस बेस प्लेट में हम अपने सारे स्क्रू को डाल देंगे और इसके बाद हमें इस मिडिल वाला जो आर्म है इसे स्क्रू में डाल देना है। तो स्क्रू में डालने के बाद हमें ऊपर से भी प्लेट लगाकर नट टाइट कर देना है। तो नट टाइट करने के बाद हमें ये कुछ इस तरह से दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद हमें मिडिल में लगाने के लिए एक और शीट चाहिए, दो शीट, एक नीचे और एक ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने प्लास्टिक फाइबर का इसे कट कर लिया और इसे भी हमने स्क्रू से टाइट कर दिया। इसके ऊपर हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर को लगाएंगे। अब हम लेंगे चार सर्कल जिसके ऊपर हम अपने मोटर को माउंट करेंगे यहाँ पे रखकर। तो सबसे पहले हम इस मोटर को अपने प्लेट पे रख लेंगे और इसका जो दो यहाँ पे दो पॉइंट ले लेंगे इसके साइज़ का, इस तरह से हमने दो साइज़ ले लिया। और इसी तरह से हम चारों प्लेट में साइज़ लेकर उसमें होल कर देंगे चारों प्लेट में, क्योंकि हमें चार मोटर को माउंट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अभी हम इस फ्रेम में कोई भी ड्रोन का पार्ट्स माउंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फ्रेम को ही बना रहे हैं, इसीलिए मैं इस प्लेट को यहाँ पे
स्क्रू से टाइट कर देता हूँ। जब हम इसमें अपने ड्रोन के पार्ट्स लगाएंगे तब हम टाइट करेंगे इस तरह से। इसी तरह हम चारों प्लेट को चारों आर्म में लगा देंगे इस तरह से, और लगभग हमारा ड्रोन का जो फोल्डेबल फ्रेम है वो रेडी हो चुका है, और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा ड्रोन का फ्रेम रेडी हो गया, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये बहुत लाइट वेट फ्रेम होगा।